मनी ट्रांसफर सर्विसेज रन करते हैं, ये मनी ट्रांसफर में जो कमीशन है वो जायज है, लेकिन क्योंकि पैसा जब कोई हैंडल करता है ना तो थोड़ा सा एहतियात की बात होती है। लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, कहते हैं ये जो एजेंट की कमाई होती है ना ये हराम कमाई है। हाँ, इसमें हराम चीज हो सकती है अगर एजेंट धोखादेही का काम करे, एजेंट चीटिंग का काम करे, एजेंट अपनी टर्म्स छुपाए और सडनली बोले मुझे ये भी चाहिए। कई बार दुकानों में, बिजनेसेस में, डीलिंग्स में ऐसा होता है कि कोई प्रोडक्ट खरीदने वाला कस्टमर आता है और कस्टमर कहता है कि देखो मुझे तुम्हारा ये प्रोडक्ट चाहिए। गोल्ड का कहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। हाँ, क्यों? क्योंकि गोल्ड के अंदर अलग रूल है सोने में। हाँ, यदन भी यदिन वाला रूल आ जाएगा, हैंड टू हैंड वाला। तो नहीं, ये गोल्ड नहीं है और ये ऐसे भी नहीं है। तो ये प्रोडक्ट आपका, ये जो प्रोडक्ट है मैं ख़रीदना चाहता हूँ, कस्टमर कह रहा है, लेकिन मैं आऊँगा अगले हफ्ते आऊँगा लेने के लिए। अब दुकानदार कहता है या बिजनेसमैन कहता है, वो कहता है देखो आप अगले हफ्ते आओगे, अगले हफ्ते तक मैं कितने कस्टमर को ना बोल दूंगा, फिर तुम नहीं आए तो वो कहता है ऐसा करो तुम एक डिपॉजिट रखो, तुम डिपॉजिट रखो कि जो डिपॉजिट तुम आएंगे तो वो तुम्हारे पेमेंट में मैं एडजस्ट करके दूंगा, और तुम नहीं आएंगे तो तुम्हारा वो डिपॉजिट फॉरफिट हो जाएगा, डिपॉजिट रखो। ऐसे डिपॉजिट वाली जो तिजारत है जिसे हम ले बाइज आज के ज़माने में कहते हैं, या इस तरह का एक बयाना कहते हैं, तो बयाना दे रहे हैं और बयाना के अंदर वो कहते हैं कि ये अगर तुम आए तो ठीक है और नहीं आए तो ये चीज़ फॉरफिट हो जाएगी। कई बार रियल एस्टेट में भी ये चीज़ अप्लाई की जाती है, कई तिजारतों में अप्लाई की जाती है। इस मौजू पर भी उलमा में इख्तलाफ है और सारे के सारे उलमा ने सिवाय इमाम अहमद के, सारों ने कहा कि ये नाजायज़ है। इमाम अहमद का कहना है कि वो जो हदीस, जिस हदीस के तहत अक्सर उलमा ने कहा है कि नाजायज़ है, अबू दाऊद की हदीस है जिसमें आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैल इरबून इस तिजारत को कहते हैं जिसके अंदर डिपॉजिट, अगर कोई डील अगर थ्रू नहीं होता है तो डिपॉजिट फॉरफिट होगा, तो वो कहते हैं कि ये तिजारत को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम किया। ये हदीस अबू दाऊद की है, लेकिन इमाम अहमद का कहना है कि हदीस सनदन ज़ईफ़ है, और एक्चुअल में हदीस ज़ईफ़ है। तो ये हदीस जो मना करती है इस ट्रांजैक्शन को, ये हदीस ज़ईफ़ होने की वजह से वो चीज़ साइड पर हट गई। अब नॉर्मल कायदा क्या है? अब नॉर्मल कायदा ये है कि अल्लाह ताला ने कुरान में कहा वा हलल्लाहुल बै, अल्लाह ने तिजारत को हलाल किया। तो जब तिजारत को हलाल किया है तो ये मना करने की क्या दलील है? मज़ीद इमाम अहमद का ये कौल है, और जो सऊदी की जो लजना दाइमा, जो सीनियर कमेटी ऑफ स्कॉलर्स है, शेख बिन बाज़ वगैरह के भी फतावे मौजूद है, उनका भी कहना ये है, वो कहते हैं कि इस चीज़ के मुतालिक हमें कुछ अकवाल भी मिलते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस नहीं मिलती लेकिन हमें सलफ़ में कुछ अकवाल मिलते हैं उमर अब्दुल्लाह के ताल्लुक से, अब्दुल्लाह इब्ने उमर के ताल्लुक से, कि वो लोगों ने इस तिजारत को सही समझा और ये एडवांस वाली जो तिजारत है इसे सही समझा। तो इसी वजह से हालांकि माइनॉरिटी ओपिनियन है लेकिन दलाइल की रोशनी में यही बात ज़्यादा मजबूत दिख रही है और ये तिजारत जायज़ है इस तरह की। हम देखते हैं कि आज के मॉडर्न ट्रेड में ये चीज़ कितना ज़्यादा अप्लाई होती है, कितने सारे बिजनेसेस में कितनी डिफ़िकल्टी हो जाती है अगर इसकी गुंजाइश नहीं होती। इसके ताल्लुक से ये बताया जा रहा है कि ये जो अमाउंट आ रहा है ये गुड्स का पेमेंट नहीं है, ये एक डिपॉजिट है, एट प्रेजेंट ये एक डिपॉजिट के तौर पर रखी गई है, उस तिजारत को थ्रू होने के लिए एक डिपॉजिट है जिसकी वजह से उस बायर की सिंसियरिटी पता चलती है। ये एडवांस कब बनेगा? जब वो बायर आएगा उस वक्त पर वो पेमेंट एडवांस बनेगा, यानी ये पेमेंट एडवांस नहीं है, क्योंकि अगर एडवांस लेंगे तो इसके अंदर क्या हो जाएगा कि कुछ चीज़ें और गुंजाइशें आ जाती, कुछ क्वेश्चंस उठते हैं। तो ये डिपॉजिट के तौर पर है और ये डिपॉजिट एडजस्ट किया जाएगा या फॉरफिट की जाएगा, तहकीक इसके मुताबिक ये मिलती है। और सही बात तो ये है कि ये चीज़ के ताल्लुक से जो परमिसिबिलिटी के दलाइल ज़्यादा मजबूत दिख रहे हैं और ये जायज़ है, अल्लाह आलम, अल्लाह बेहतर जानता है। यहाँ तक कोई सवाल? जैसे अभी टिकट बेचने वाले रहते गांव की, तो उसमें वो लोग 500 की टिकट के बजाय 1500 में बेचते बिना लोगों को बताए, और जब मालूम पड़ता है तो बोलते हैं कि ये हमारी दलाली ले रहे हैं, मतलब लेने की। वो जो डब्बे में मिलता है वो तो 500 मिलता है, मतलब जो घर बैठे कराते वो 1500, इतना लंबा लेना क्या ये जायज़ है? भाई का सवाल है कि मान लीजिए ऐसे टिकट्स में होता है, ख़ास तौर से सीज़न टाइम पर जब टिकट्स नहीं मिलती है, तो वो टाइम पर कुछ एजेंट्स होते हैं जो कहते हैं कि ये टिकट जो 500 की है ये मैं 1500 में दूंगा। तो हमारे भाई का सवाल ये है कि अगर मान लीजिए सामने वाले को पता नहीं है कि 500 की है ओरिजिनली, और वो एजेंट कहता है 1500 की, फिर टिकट हाथ में आती है दिखता है ये तो सिर्फ 500 की टिकट है, मतलब 1000 तुम्हारा मार्जिन है, तो अगर ऐसा है तो कैसा है? इस बारे में सही बात यह है और जो ईज़िली आप लोग भी हल कर सकते हैं इंशाल्लाह। बोलिए, अभी तो ट्रेनिंग काफ़ी हो गई है। अगर क्लियर कर देता एजेंट कि देखिए ये टिकट 500 की है, मेरा चार्ज इतना है, 1000 का चार्ज है,
आपको अगर सूट होता है तो मैं ये चार्ज में दे सकता हूँ, मैं सर्विस ऑफर कर रहा हूँ जो इस टाइम पे वगैरह। हाँ, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, अगर वो बता करके कर रहा है जिसमें धोखाधड़ी की कोई बात नहीं है, तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि इसके अंदर क्लैरिटी नहीं है और सामने वाले को चीटेड फील हो रहा है एंडिंग में, उसको पता नहीं था कि वो इतना ज़्यादा चार्ज ले रहा है, तो वो एजेंट ने अपनी टर्म्स क्लियर नहीं किया था। वो एजेंट की टर्म्स क्लियर होनी चाहिए कि वो आखिर में खुद कितना लेने वाला है और कितना वो उस चीज़ को देने वाला है। तो क्लैरिटी होना डील्स के अंदर ये बहुत ज़रूरी है, ये क्लैरिटी नहीं है इसके अंदर जी। और एक बात यह है कि अक्सर जो लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं वो क्या वजह से ज़्यादा चार्ज कर रहे होंगे, तो हम ये देखते हैं कि अगर इसमें करप्शन इन्वॉल्व है तो करप्शन को इस्लाम ने सही नहीं समझा है। क्योंकि कई, मान लीजिए कई लोग लाइन लगाए हुए हैं टिकट के लिए और जो पैसे दे रहा है पीछे से उसको मिल रहा है आउट ऑफ द क्यू। तो हम देखते हैं आजकल मॉडर्न मेथड्स और लाइन होने की वजह से ये चीज़ कम होती जा रही है, लेकिन फिर भी ये चीज़ के अंदर सही बात ये है कि किसी और का हक लेकर जो मिल रहा है तो वो चीज़ को तो अल्लाह ताला ने गलत ही कहा है। कुरान की सूरह बकरा की आयत नंबर 188 जो है उसके अंदर ये इस टाइप की जो चीज़ों को गलत कहा गया है, जिसमें हम कुछ पैसे ज़िम्मेदार को दें ताकि किसी और का हक ले लें। तो किसी का हक लेने के लिए लाइन में किसी और का नंबर हमसे आगे रहा हो लेकिन हम अगर पैसे देकर अपना नंबर लगा लें ताकि किसी और का हक हमें मिल जाए, तो ये चीज़ को अल्लाह ताला ने गलत कहा है। इसकी गुंजाइश सिर्फ वहाँ पर है कि जहाँ पर एक इंसान के लिए टोटल मजबूरी है अपना खुद का हक हासिल करने में, टोटल मजबूरी है कि कुछ किए बगैर वो ऑफिशियल्स होते हैं जो हिलते नहीं हैं, तो इसके अंदर जो मजबूरी के तौर पर हो, जो इस सिचुएशन में नहीं है कि जिसके अंदर आदमी खुद से ऑफ़र कर रहा है लेकिन मजबूरी के तौर पर किसी और का हक लेने के लिए ना हो, तो वो चीज़ की गुंजाइश है, बाकी अदरवाइज नहीं है। तो कई बार एजेंसी कमीशन के अंदर ब्राइब छुपी होती है, ब्राइब रिश्वत छुपी होती है, कमीशन का नाम होता है एजेंट का लेकिन उसके अंदर ब्राइब अंदर कहीं छुपी होती है, तो वो चीज़ इस्लामिकली सिस्टम के एतबार से सही नहीं है। अब देखिए कैसा होता है ना, कोई कहे फिर तो ये मुश्किल हो जाएगी, वो मुश्किल हो जाएगी, जो मुश्किल होगी होगी वो एक अलग बात है, लेकिन जो ब्राइब से किसी का हक लिया जा रहा है वो रिश्वत के ताल्लुक से क्लियर कट लानत की हदीस है मौजूद, और कुरान की आयत भी है कि तुम ऐसा ना करो, सूरह बकरा की आयत नंबर 188। नहीं सकते जी। हम ये दो तीन सवाल लेकर हम क्रेडिट कार्ड्स के मौजू को शुरू करेंगे जी। कुछ साल पहले एक बंदे ने दुकान लिया था भाड़े से, फुल फिल यानी 25,000 डिपॉजिट दिया था, लेकिन कुछ वजह से नहीं हो पाया तो सामने वाला जो बंदा मालिक है वो रिटर्न नहीं दिया, तो उसके लिए क्या, पूरा खा लिया यानी हजम कर लिया। भाई का सवाल ये एक पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर जो हमने देखा कि डिपॉजिट वाले जो तिजारत है, डिपॉजिट जिसके अंदर दी जाती है, मान लीजिए कि किसी ने कोई जगह रेंट पर लिया उसके अंदर सिक्योरिटी डिपॉजिट जो लोग लेते हैं, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट उसने दिया था और वो डिपॉजिट सामने वाले ने रिटर्न नहीं किया। अब जैसे मान लीजिए किसी ने अपना रेंट अदा ना किया हो, एक आध महीने का, डेढ़ महीने का रेंट बाकी है, तो वो डिपॉजिट में से लोग माइनस करते हैं, या उसने इलेक्ट्रिक टेलीफोन बिल अगर पे नहीं किया है, वो आउटस्टैंडिंग बिल आ रहा है कि इलेक्ट्रिक बिल पेड नहीं है, उसे वो पे करना है, या मान लीजिए कुछ फर्नीचर फिक्सचर्स वगैरह है जो घर में लगे हुए थे जो कॉस्टली थे, जो उसने तोड़ दिया, ख़राब कर दिया, या उसके टर्म्स के अंदर ऐसा था कि यहाँ का ये तुम्हें ख्याल रखना है, उसने वो चीज़ का ख्याल नहीं रखा, और सामने वाला अगर वो चीज़ का अगर डिडक्शन करता है जो टर्म्स पहले से सेट थे उस चीज़ के मुताबिक, तो अगर टर्म्स के तहत वो काम हो रहा है तो सही है, लेकिन टर्म्स के तहत नहीं हो रहा है और ऐसा है कि किसी की रकम मेरे हाथ में है और मैं अभी उसको अटका सकता हूँ तो मैं अटका दूँ, जैसा कई लोगों की सोच है कि जो हाथ में है उसका हाथ ऊपर है बोलते हैं, मतलब उसका मामला गालिब होता है, लेकिन ऐसा सही नहीं है क्योंकि दुनिया में है लेकिन आखिरत में उसको वो डिपॉजिट की पेमेंट करनी पड़ेगी अगर उसने किसी का पैसा गलत तरीके से ले लिया। अली रदलाओं को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गवर्नर बनाया यमन के और कहा कि तुम वहाँ जाओ। अली रदलाओं ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे इस बात में इत्मीनान में नहीं है, मैं नहीं कर पाऊँगा, उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो चीज़ की, एक चीज़ ये की कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ की, अल्लाह इनके दिल को हिदायत दे और इनकी ज़ुबान को साबित रख, और उन्हें कहा कि कोई भी दो लोगों की बात कभी सुनो तो दोनों तरफ की बात सुने बगैर कभी फैसला मत देना। तो ये एक तरफ की बात है, वो दूसरी तरफ की क्या बात है वो हम जानते नहीं हैं, तो अगर बज़ाहिरन ऐसी चीज़ है जो गलत लग रही है लेकिन कभी कभार दूसरी तरफ की भी कोई स्टोरी होती है, तो जब तक वो चीज़ वाजे ना हो तो हम लोग बोल नहीं सकते हैं। और अपेरेंट फैक्ट से अगर ऐसे ही किसी ने पैसे किसी के ले लिए तो सही नहीं है, लेकिन अगर ऐसा होगा कि वो कुछ टर्म्स ऐसे सेट थे और कुछ टर्म्स के तहत उसका खुद का भी नुकसान हुआ हो, कुछ ऐसी चीज़ हो जिसमें वो उसने कवर किया हो, तो हमें पता नहीं, तो हम दोनों तरफ की बात सुने बगैर नहीं बता सकते हैं इंशाल्लाह। ओके, दो सवाल यहाँ और फिर हम जी। आपने जैसे बैस सलम के बारे में बोला था तो उसमें खजूर का एग्जांपल लिए, मतलब लिए
क्या उसने सामने वाले ने पैसे दिया क्वालिटी क्वांटिटी के हिसाब से 100 किलो के लिए, लेकिन जब फसल आई तो सिर्फ 50 किलो आई है, तो उसके बारे में क्या होगा? टाइम तो चले गया है। भाई का सवाल है कि अगर मान लीजिए बैस सलम में किसी ने पैसे लिए 100 किलो के, लेकिन फसल आने के बाद सिर्फ 85 किलो बने, तो फिर वो क्या करेगा? उसका वक्त चला गया तो क्या करेगा? बैस सलम में हम देखते हैं कि बैस सलम में एक एडवांस पेमेंट है आगे जाकर साल डेढ़ साल ऐसे पीरियड के बाद डिलीवरी करनी है। मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसके पास एक अच्छा खासा वक्त है कि वो माल तैयार कर सकता है डिलीवरी देने के लिए, ताकि उसे डिफ़ॉल्ट ना करना पड़े। लेकिन फिर भी अगर कोई डिफ़ॉल्ट करता है, चाहे आधा डिफ़ॉल्ट करता है चाहे पूरा डिफ़ॉल्ट करता है, तो उस सिचुएशन में जो पेमेंट है उसे वापस मिल जाएगा। और हकीकत में ये टर्म्स सेट हो सकते हैं कि ये टर्म्स के तहत वो अपने आप को सेफगार्ड करने की कोशिश करें। जैसे कि दो शख्स हैं, वो मतलब बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं पार्टनरशिप में, एक जो रहता है उसमें से वो फाइनेंसर रहता है और सेकंड वन जो रहता है वो हार्ड वर्कर रहता है, तो दोनों का मतलब प्रॉफिट रेशियो भी हो जाता है 40-60, जो 60 रहेगा वो फाइनेंसर करेगा और 40 जो रहेगा वो हार्ड वर्कर करेगा। प्लानिंग प्रोसेस में चला गया और प्लानिंग कंप्लीट होने से कुछ पहले ही जो फाइनेंसर रहता है वो हार्ड वर्कर को बोलता है कि भाई हम पार्टनर में मुझे नहीं रहना है, मगर आपकी जो मेहनत लगी है उसका पैसा ले लो। रजामंदी स्टार्टिंग में हो गई थी पार्टनरशिप, मगर जो हार्ड वर्कर है वो खुश नहीं हुआ और उसको पैसा देके मतलब वो उसकी मेहनत देके और वो अलग से मतलब एक पूरा मतलब वो मालिक बन गया मतलब एक तरह से। तो वो हिसाब के बाद भाई का सवाल ये है कि दो पर्सन मिलकर काम करने आगे बढ़ते हैं कोई बिजनेस, फिर उसमें से एक विड्रॉ करना चाहता है, जो इन्वेस्टर है वो विड्रॉ करना चाहता है और वर्क करने वाले को उसकी वर्क के पैसे देकर अलग करना चाहता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? देखिए नॉर्मली क्या होता है कि जब कॉन्ट्रैक्ट्स ड्रॉ आउट होने चाहिए तो उसके अंदर आर्बिट्रेशन वगैरह भी होनी चाहिए कि अगर कहीं प्रॉब्लम हो गया तो प्रॉब्लम में क्या करेंगे, और अगर कोई चीज़ हो तो उसके अंदर प्रॉब्लम में अगर दोनों में डिस्प्यूट आ गया तो डिस्प्यूट में क्या तरीका होगा, कैसे रिजॉल्व होगा। तो कोई थर्ड पर्सन को उसके सामने ले आकर इंसाफ से बात हो। लेकिन सही बात तो यह है कि ये रजामंदी से होना चाहिए। जो पार्टनरशिप रजामंदी से स्टार्ट हुई वो रजामंदी से ही ख़त्म होगी। तो अगर मान लीजिए वो हार्डवर्क करने वाला, जो मेहनत करने वाला आदमी है जिसने किया, मुदारिब जिसे कहते हैं, अगर वो कहता है कि मैं इसमें इतना चाहूँगा तो मुझे इतना दोगे तो ये बिज़नेस ख़त्म होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो तिजारत के अंदर नॉर्मल रूल है कि ये रजामंदी, गवर्नमेंट लॉज के अंदर भी पार्टनरशिप एक्ट विल कहते हैं, तो उसके अंदर दोनों तरफ से रजामंदी होगी तब वो जाके डिसॉल्व होगा बिज़नेस, नहीं तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। वो उसके अंदर जो टर्म्स है वो टर्म्स के तहत चलना चाहिए और यही चीज़ सही है। फिर भी अगर दोनों तरफ से डिस्प्यूट आ गया और डिस्प्यूट के अंदर फिर क्या होगा, तो डिस्प्यूट के अंदर तो सिचुएशन अलग हो जाती है। अब यहाँ पर केस टू केस बेसिस पर डिपेंड होता है। अब उसके अंदर हमारे पास एक्चुअली ज़रूरत ही होनी चाहिए, ताकि हम लोगों का मामला ऐसा होता है कई बार कि कुछ भी डिस्प्यूट आ गया लोग कोर्ट्स में पहुँच जाते हैं। कोर्ट से पहले मुसलमानों के पास अपना खुद का आर्बिट्रेशन प्रोसीजर होना चाहिए, हमारा खुद का, क्योंकि कोर्ट्स के अंदर हम ये देखते हैं कि कई बार जुल्म वाले मामले होते हैं, कई बार कई सारी गलत चीज़ें होती हैं। अब मान लीजिए जैसे अगर हमारे पास ऐसे इन्फ्लुएंशियल पोजीशन वाले मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स या ऐसे बैतुल माल या ऐसी सिचुएशंस हो जहाँ पर ऐसे केस ले जाए जा सके, या दारुल क़ज़ा दारुल इफ्ता वगैरह ऐसे हो, तो उनके सामने केस प्रेजेंट हो जहाँ पर एक मुस्लिम काजी जो दोनों तरफ की बात सुने, सुन करके वो कहे कि देखो तुम्हारा सही है, तुम्हारा ये हक़ है, तुम्हारा ये हक़ है, तुम ये कर सकते हो, तुम ये कर सकते हो, तुम ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, तो वो सही होता है। लेकिन होता क्या है कि हमारे पास ऐसा कोई इंटरिम प्रोसीजर हमारा है ही नहीं, दरमियानी कोई प्रोसीजर, और डायरेक्टली अगर बातें होती है तो वही कोर्टों में बात पहुंच जाती है और वहां जाकर पहुंच करके जो चीज़ फैसला हो वो सबको करना पड़ता है। कई बार ऐसी भी केसेस देखे गए कि बहुत सारे पैसे गंवाने के बाद फिर मामला मीडिएशन पर आ गया, फिर जाके म्यूचुअल 2 साल तक चप्पल घसने के बाद दोनों ने रजामंदी से हल कर लिए, वही रजामंदी से पहले हल कर लेते थे, तो वो हल करने का हमारे पास कुछ प्रोसीजर होता तो कितना अच्छा होता। हाँ, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कोई पर्टिकुलर केस था कि जिसके अंदर दोनों साइड ने कई लाख गवा लिए, फिर उसके बाद में बैठने के की समझ आई उनके अंदर और बैठ करके फिर हल कर लिए। तो ऐसा हमारे पास अगर तरीका होता है जिसके अंदर बैठ के हल कराना, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है सुलह कराने के मुतालिक भी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अफ़दलुस सदका, सबसे अच्छा सदका ये है दो लोगों के बीच में सुलह करो। तो सुलह करने का सबसे अच्छा सदका है, और ऐसे पार्टनर्स के बीच में सुलह करना और प्रॉब्लम्स को हल करना, हमारे पास ऐसा कुछ सिस्टम होना चाहिए। बात हम कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है ऐसे सिस्टम्स वगैरह सही तरह से कब इन प्लेस दिखाई देंगे, पता नहीं हमारे ज़माने में देखने मिलेगा या आगे बच्चों तक के कुछ होगा या उसके बाद भी पता नहीं कब होगा। लेकिन बात करने से कौन रोक सकता है?
हाँ सही बात है। देखिए ये पूरे कोर्स के अंदर कितनी चीज़ें हैं जो हमने सिर्फ बातें की, लेकिन हकीकत तो ये है ना कि आज बात करेंगे, क्यों नहीं हो रहा हमारी कम, हमारे यहाँ रीजंस बहुत सारे हैं, आपसी गफलत, हाँ पर्सनल गफलत, जो लोग अपने अपनी चीज़ों में पड़े हैं, कम्युनिटी के बारे में सोचना, लोगों के बारे में सोचना, खैर खाई का ये जो इंस्टीट्यूशनल ये वर्क है, ये चीज़ की कमी है जिसकी वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन हकीकत तो ये है ना कि हम ये कई चीज़ें, जैसे कई बार हमने देखा कि यहाँ पर सोल्यूशन ये है कि हमारे पास अपना चेंबर ऑफ कॉमर्स होना चाहिए, हमारे पास अपनी इस्लामिक बैंक होनी चाहिए, हमारे पास ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, होना चाहिए, बात हो रही है। लेकिन आज बात कर रहे हैं, हर चीज़ की शुरुआत बात करने से होती है, बात करते करते वो आइडिया लोगों के जहनों दिमाग में बैठती है, फिर कोई ऐसा भी आता है जो जाकर उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करता है। आज से तकरीबन 12-14 साल पहले की बात है कि वो वक्त के इस्लामिक स्पीकर्स जो थे वो बात करते थे कि इस्लामिक स्कूल की ज़रूरत है, हमारे बच्चों के लिए इस्लामिक स्कूल्स की ज़रूरत है, तभी सिर्फ बात होती थी। और लोग बोलते इस्लामिक स्कूल कोई है क्या, कोई है इस्लामिक स्कूल, तो जवाब हम लोग देते थे बोलते कोई इस्लामिक स्कूल नहीं है, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं खाली। और आज हम देखते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे में एटलीस्ट ऐसा हाल दिख रहा है कि हर चंद किलोमीटर में एक इस्लामिक स्कूल मिल जाती है। एक वो बातें हुई, लोगों के जहन बने, वो डिमांड क्रिएट हुआ, तो सप्लाई भी आने लगा अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम ये बात कर रहे हैं और जो डिमांड होगा तो सप्लाई आएगा। हम देखते हैं कि इंडियन मुस्लिम्स ने हलाल अल्टरनेटिव्स का डिमांड शायद नहीं किया, इसीलिए उन्हें मिला भी नहीं। अगर ये हलाल अल्टरनेटिव्स का डिमांड होता कि हम सूदी निज़ाम से बचना चाहते हैं, हम वो सूद की लानत से बचना चाहते हैं, हम वो चीज़ जिसे अल्लाह ताला ने कहा कि हर बी मिन अल्लाह, अल्लाह की तरफ से जंग का ऐलान सुन लो, हम उस चीज़ से बचना चाहते हैं, तो हलाल अल्टरनेटिव आए होते हैं। लेकिन हम लोग रियली बहुत ज़्यादा चाहते ही नहीं थे, यही मुझे लग रहा है, इसी वजह से हमें मिला नहीं, क्योंकि इंसान को वही मिलेगा जो वो खुद चाहता है, जो चाहते ही नहीं वो मिलेगा कहाँ से, ज़बरदस्ती करके मिलेगा, ज़बरदस्ती करके नहीं मिलता, जो चाहते हो वही मिलेगा। तो हम देखते हैं कि इसमें हमारी गफलत रही, इसी वजह से हमें ये चीज़ मिली नहीं। जी ओके, ये आखिरी सवाल टिकट के मामले से ही सवाल था। उस वक्त लोगों को ज़रूरत होती है टिकट की और वहाँ पर तो रिश्वत देना ही पड़ता है टिकट अंदर जी, तो अगर जैसे मैंने बताया कि अगर कोई चीज़ के अंदर सिस्टम ये है कि अपना ही हक हासिल करने के लिए किसी को कुछ अमाउंट देना पड़ रहा है ताकि उसका ही हक मिले, तो वो चीज़ सही है। अगर वो किसी और का हक देकर ले रहा है तो वो चीज़ गलत है। अच्छा, वो चीज़ जो अपना ही हक हासिल करने के लिए अगर कर रहा है तो इसके अंदर यानी कि गुंजाइश है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ये कहेंगे। हाँ, बेचने वाले के लिए वो गलत चीज़ लेने की कभी गुंजाइश नहीं हो सकती, जो बेच रहा है गलत तरीके से, जो रिश्वत ले रहा है रिश्वत लेने वाले को कभी गुंजाइश नहीं होगी। कभी देने वाले की मजबूरी वाली सिचुएशन हो तो उस सिचुएशन के अंदर कुछ गुंजाइश स्कॉलर्स ने बताई है, जैसे कि मैंने एक हदीस पास में बता चुका हूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं हो सकता है कि किसी को कुछ अमाउंट दूँ जिस पर उसका हक नहीं है, उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं दे रहा हूँ इस वजह से सही है, बल्कि मैं उसे जहन्नम की आग का ही टुकड़ा दे रहा हूँ। ये उस केस में भी कहा जहाँ पर दो तरफ से दो लोग एक केस को प्रेजेंट कर रहे हैं, एक तरफ वाला ज़्यादा स्ट्रांगली प्रेजेंट कर दें और दूसरा जो सही है वो उसे ना करें। जी चलिए, ये आखिरी सवाल लेकर हम आगे बढ़ेंगे। जी एक तो ये कि अभी आप जो कह रहे थे कि हलाल जो मतलब इन्वेस्टमेंट्स के ताल्लुक से, तो उसमें ऐसा है कि एक मतलब लोगों में एक एतमाद नहीं है, क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट्स कंपनी इस्लामिक बेसिस पे खुली थी और वो मतलब बुरी तरह लोग मुतासिर हुए उससे, तो एक उसकी ज़रूरत ये है कि लोगों में एतमाद हो, जहाँ मतलब ऐसी कोई इंस्टीट्यूशन जो बहुत मजबूत नज़र आए तो लोग उसको करेंगे, डिमांड तो बहुत है, तो उसके लिए कुछ किया जाए, तो मतलब ये बात। दूसरी ये कि जैसे अब मैंने कहीं इन्वेस्ट कर दिया तो इलीगल कंस्ट्रक्शन कर दिया, मैंने फ्लैट ख़रीद लिया वहाँ पर, अब मुझे बाद में पता चल रहा है कि ये तो इलीगल था, मेरी सिचुएशन क्या, मैं बेच सकता हूँ नहीं बेच सकता हूँ, क्या कर सकता हूँ उसको, फिक्स है ना, बिकॉज आई हैव इन्वेस्टेड, मैंने तो पैसे लगा दिए। भाई का सवाल ये है कि दो बातें हैं कि उन्होंने ये नोटिस किया कि कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस खुले थे जो डूब गए और इस्लामिक के नाम में जो चीज़ हुई और वो चीज़ जब डूबी तो लोगों का एतमाद वो उस इंस्टीट्यूशन से ही नहीं हटा, उनका नाम इस्लामिक नाम से हट गया। तो यहाँ पर उन्हें एजुकेट करना चाहिए, जिस पर जैसे मिसाल के तौर पर दुनियाई तौर पर भी कितने सारे बिजनेसेस हैं जो खुल के बंद हो जाते हैं, लेकिन उसमें लोगों का एतमाद बिजनेस से तो नहीं हट जाता है। हाँ, जैसे हम देखते हैं कि कितनी सारी ऐसे इन्वेस्टमेंट कंपनीज है जो खुलती बंद हो जाती है, हम खुद जानते हैं कि कितने सारे स्कैम्स तो होते रहते हैं, फिर भी लोग ऐसे इन्वेस्टमेंट के नाम से दूर नहीं भागते, बोले इन्वेस्टमेंट तो नहीं करना भाई, अपने पैसे को अपने पास ही रहने दो, कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, ऐसे नहीं करते हैं, करते हैं। लेकिन फिर ऐसा क्यों है कि जब कोई ऐसे इस्लामिक नाम वाली कोई इंस्टीट्यूशन के साथ कुछ गड़बड़ हुई अगर पास्ट में, तो इस्लामिक नाम से एतमाद उड़ गया उनका, तो बज़ाहिरन शायद ऐसा लग रहा है कि उनके कन्विक्शन की कमी थी,
और उन्हें चाहिए कि वो इंस्टीट्यूशन, वो ग्रुप, वो प्रोमोटर्स के ऊपर जो सोचें, उनकी भी कोई और हो सकता है स्टोरी रही हो, उनकी कुछ मजबूरियाँ रही हो, कुछ वो खुद नहीं चाहते हो, हालात के वो शिकार हुए हों, कुछ उन्होंने रॉन्ग डीलिंग्स ना की हो, कुछ ऐसा कुछ हो गया हो, वो भी पॉसिबिलिटी है। लेकिन करना भी है तो वो ग्रुप के हद तक, वो इंस्टीट्यूशन के हद तक, कि ये इंस्टीट्यूशन अगर कर रहा है तो हमारे नज़दीक ये थोड़े से इनकी क्रेडिबिलिटी कम हो गई। लेकिन जनरली इस्लामिक नाम से और इस्लामिक कंसेप्ट के ताल्लुक से लोग अगर एतमाद छोड़ें तो ये तो बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है, ये बहुत ही सैड बात है। और ऐसा दुनियावी मामलों में क्यों नहीं करते मालूम है? क्योंकि दुनिया बहुत कीमती है और आखिरत वाली चीज़ की कीमत अभी दिखती नहीं है सामने, वो दिखेगी, एक वक्त आएगा। लेकिन बात यहाँ ये है कि सूद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और ये एक ऐसी चीज़ नहीं है जो एक्स्ट्रा है। ये सब जो बातें हम कर रहे हैं ये ऐसी बात नहीं है जो एक्स्ट्रा है, ये ऐसी चीज़ है जो हमारी बेसिक ट्रेडिंग नीड्स में इन्वॉल्वमेंट है। हमारा जो सूदी निज़ाम के साथ इंटरेक्शन है वो मिनिमाइज़ करके ख़त्म हो जाए ताकि हमारे पास हमारे अपने इस्लामिक इंस्टीट्यूशंस आ जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है ना जो फ़र्ज़ किफ़ाया के हद तक है। फ़र्ज़ किफ़ाया यानी अगर फ़र्ज़ किफ़ाया ऐसी चीज़ होती जैसे जनाजा हो गया किसी का, अब कुछ लोगों ने जनाजे की नमाज़ पढ़ ली तो सबकी तरफ से हो गया मामला, लेकिन कोई भी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ेगा तो सबके सब जिम्मेदार है, पूरी पूरी कौम गुनहगार हो गई। तो यहाँ मामला ऐसा ही है कि यहाँ पे अगर मुस्लिम्स में अगर कुछ लोग मिलकर ऐसे अगर इंस्टीट्यूशंस कायम करते हैं जिससे हमारे बिजनेस सूद की लानत से बच सके तो सबके सब बच गए, लेकिन अगर कोई भी कायम नहीं करता है तो एक एक फ़र्द इस उम्मत का जिम्मेदार है उसके ना कायम होने पर। उसका बोझ जो है, ये जो बोझ है सूदी चीज़ का बोझ जिसके अंदर सब लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसका बोझ एक एक शख्स के कंधे पर है। और अगर कुछ लोग मिलकर ये इंस्टीट्यूशंस कायम करें और फिर से कामयाब कोशिश होगी तो सबके कंधों से ये बोझ हटेगा। तो यहाँ पे इस चीज़ की रियलाइजेशन लाना और लोगों में एहसास उस चीज़ का हो तो बात सब वहीं पे आती है कि डिमांड होगा तो सप्लाई होगा। लोग एक बहाना एक्सक्यूज़ ढूंढ रहे थे, उनको बहाना मिल गया। जो दूसरा सवाल था कि मान लीजिए किसी ने कोई ऐसी जगह पर बुक किया, अनोइंगली हुआ कहीं कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन में किसी की बुकिंग है, तो वो चीज़ के मुतालिक क्या है सही बात? तो जैसे मान लीजिए कुर्ता फटा हुआ है, हाँ फटा हुआ कुर्ता है, वो बेचना हलाल है कि हराम है? फटा हुआ कुर्ता, हाँ अगर छुपा के बेचेंगे कि ऐसा फोल्ड करके बेचे इसको दिखे ही नहीं कि अंदर वो है, और घर पे आए मालूम पड़ा फटा हुआ, मैं तो पैसे ले लिया, ख़त्म हो गया डील। हाँ जैसे कुछ लोग लिखते हैं ना अपनी शॉप्स में कि गुड्स वन सोल्ड विल नेवर बी टेकन बैक, हाँ अगर डिफेक्टिव है तो लेना ही पड़ेगा। क्या आपको पता है डिफेक्टिव का रूल क्या है? अगर गुड्स डिफेक्टिव निकलते हैं ना और बाद में भी पता चलता है कि डिफेक्ट है तो शख्स को लेना पड़ेगा, क्योंकि खियार अल ऐब इसे कहते हैं। खियार अल ऐब यानी वो इख्तियार जो ऐब की वजह से आ जाता है। हमने देखा ना एक खियार था जो मजलिस का इख्तियार था कि जब दोनों साथ में हैं जब तक अलग नहीं हो जाते तब तक इख्तियार होता है दोनों के पास, बेचने और ख़रीदने वाले के पास। जब तक अलग नहीं होते तब तक इख्तियार होता है, यानी डील कैंसिल कर सकते हैं। अब एक आदमी अलग हो गया, जा करके उसको बाद में पता चला कि इसमें तो डिफेक्ट है, तो वो डिफेक्ट की वजह से उसे फिर से इख्तियार मिल गया कि वो डील को कैंसिल कर सकता है। वो जाके कह सकता है मेरे पैसे वापस दो, या तो वो शख्स उसके बदले में उसका दूसरा प्रोडक्ट दे या तो डील कैंसिल हो जाए। तो ये खियार अल ऐब इसे कहते हैं। यहाँ तक आके उलमा ने बताया कि अगर बिल्डिंग के फाउंडेशन में डिफेक्ट है और डिफेक्टिव चीज़ है और बिल्डर ने बेच दिया और वो चीज़ जाके 10 साल बाद मालूम पड़ता है कि इसमें डिफेक्ट था, तो भी वो बिल्डर उसमें लायबल है, उसे उसकी भरपाई करनी पड़ेगी, वो उसमें बच नहीं सकता। लेकिन अगर कोई शख्स कहता है कि देखो मेरे पास ये फटा हुआ कुर्ता है, मैं इसे बेचना चाहता हूँ, ये ऐसा ऐसा इसमें डिफेक्ट है और तुम्हें ये चीज़ का इसमें ये चीज़ है इसी वजह से इसका ये भाव है, इसका नॉर्मल अगर सही होता तो ये भाव होता है लेकिन ये डिफेक्ट है इसमें इसलिए ये भाव है। तो इसमें अगर कोई अमानतदारी से ओपननेस से काम लेता है और बताता है कि देखो ये चीज़ ही है, तुम देखो तुम्हें अगर समझ में आता है तो तुम लो, तो ये डिफेक्टिव गुड है। लेकिन डिफेक्टिव गुड भी जायज़ तरीके से आदमी बेच सकता है, उसके अंदर गुंजाइश है। लेकिन अगर ऐसा गुड है जिसके अंदर ऐसी चीज़ है कि जो मिसाल के तौर पे जिसका खुद उसका वजूद ख़त्म हो सकता है एनी टाइम उसका वजूद ख़त्म हो सकता है, जिसकी खुद की कोई गारंटी ही नहीं है, तो वो चीज़ के अंदर फिर हम देखते हैं कि जो छठी कंडीशन है ना कि क्लैरिटी होनी चाहिए, वो क्लैरिटी में कुछ कहीं डिस्टर्ब भी कर सकता है।